नमस्कार, न्यूज हिंदी टीवी चैनल में आपका स्वागत है। वैज्ञानिकों ने बनाया ऐसा कंप्यूटर जो आपके विचारों को बातों में बदल सकता है। पिछले कुछ सालों में ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस को आधुनिक बनाने में इंजीनियर और वैज्ञानिकों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली है। ऐसे यंत्र बनाए गए हैं जो लकवाग्रस्त लोगों को चला सकते हैं। अब नीदरलैंड और जर्मनी के वैज्ञानिकों ने मिलकर ऐसा कंप्यूटर बनाया है जो विचारों को बातों में बदल सकता है। ये तकनीक भविष्य में उन लोगों की मदद कर सकती है जिन्हें किसी भी तरह के बोलने संबंधी दिव्यांगता है। डच और जर्मन कंपनी ने मशीन लर्निंग की तकनीक को और ज़्यादा बेहतर और आधुनिक बना दिया है। वैज्ञानिकों ने मिर्मी से पीड़ित एक महिला के दिमाग में इलेक्ट्रोड डाला था, जिसकी वजह से वह जो भी सोचती थी वह शब्द वह बोलने लगती थी। इस स्टडी की रिपोर्ट हाल ही में साइंटिफिक जर्नल कम्युनिकेशन बायोलॉजी में प्रकाशित हुई है। नीदरलैंड्स के मस्टिच यूनिवर्सिटी मेडिकल सेंटर के डॉक्टर पीटर कुबेन ने बताया है कि हमने मिर्मी पीड़ित मरीजों पर कई तरह के जाँच किए। ये जाँच कंपेन हेल एक्सपर्टीज सेंटर में किए गए हैं। इन मरीजों के दिमाग में इलेक्ट्रोड्स डाले गए थे। इससे स्टडी में शामिल होने के लिए पूछा गया था। जब उन्होंने अनुमति दी तब उन्हें इस रिसर्च में शामिल किया गया। डॉक्टर पीटर कुबेन ने बताया कि एक जांच सिर्फ बोलने पर आधारित थी। पहला काम ये किया गया था कि मरीज को कुछ पढ़ने की को दिया गया था। इसके बाद कंप्यूटर ने पढ़ते समय बोले गए शब्दों और उस समय हो रही दिमागी गतिविधि के संबंध को समझा। इसके लिए कंप्यूटर ने मशीन लर्निंग प्रोग्राम को एक्टिवेट किया गया था। मशीन लर्निंग प्रोग्राम को एक्टिवेट करने के बाद कंप्यूटर ने सीधे एक ऑडियो जनरेट किया, जिससे उन शब्दों को कंप्यूटर ने जोर से बोला जिसे मिर्गी के मरीज ने पढ़ते समय या तो बेहद धीमे बोला था या सिर्फ मन में सोचा था। इस स्टडी के प्रमुख शोधकर्ता क्रिश्चियन हर्ष ने कहा कि सामान्य तरीके से बोलने पर भी जो डेटा मॉडल्स जुटाए गए थे उनसे भी कंप्यूटर स्पीड को इमेजिन कर सकता है।